हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी लेके आ गया हूँ एक और नया रेविट ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे अपनी वॉल्स में ओपनिंग सम कैसे देते हैं। चाहे वो स्क्वायर हो या फिर चाहे वो कोई कर्व वाली ओपनिंग हो, हम सारी टाइप की ओपनिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कैसे हम अपनी वॉल्स में ओपनिंग्स को देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने रेविट के मॉडल पे जो हमने अभी तक बना रखा है। अगर ये मॉडल आपको बनाना नहीं आता है तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारी वीडियोस की लिंक्स पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो किस में कैसे क्या चीज़ कैसे बननी है। तो आज करना है हमको वॉल्स पे ओपनिंग। तो सबसे पहले वॉल पे ओपनिंग करने के लिए हम अपने स्लैब को हाइड कर लेते हैं। स्लैब को हाइड करने के लिए स्लैब सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो यहाँ आपको दिख रहा होगा काला चश्मा, काले चश्मे पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा हाइड का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा हाइड एलिमेंट। हाइड एलिमेंट करते ही आपका वो चीज़ हट जाएगा और हटने के बाद आप जिस भी वॉल पे अपना ओपनिंग देना चाहते हैं उस वॉल को सिलेक्ट करके सिंपली ओपनिंग दे सकते हैं। जैसे कि हमको अपने किचन की वॉल पे कोई भी दरवाज़ा नहीं देना था, किचन की वॉल को हमने ओपन रखना था अपनी, वहाँ पर एक आर्च टाइप का स्ट्रक्चर बनाना था, तो सिंपली हम अपनी इस दीवार को भी हाइड कर लेते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए हम टेम्परेली हाइड यानी काला चश्मा में जाएंगे। इस पे जाने के बाद हाइड एलिमेंट इसको भी हाइड कर देंगे। ये खिड़की रह गई भाई, खिड़की को भी हाइड करना था, एक ही साथ सेलेक्ट करके हाइड कर लेना है, इतने बार बार का बवाल नहीं लेना है। और यहाँ पर आने के बाद हम इसके आ जाएंगे पूरा एकदम फ्रंट पे, यहाँ से जूम करेंगे हम। अब हमको दिख रहा होगा हमारी ये वाली दीवार है किचन की, जिसको हमने ओपनिंग देनी है। ओपनिंग देने के दो तरीके होते हैं। ओपनिंग देने के लिए आपको यहाँ पर आर्किटेक्चरल टैब में ही यहाँ पर कोई ओपनिंग का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर वॉल और वर्टिकल लिखा है। वर्टिकल आपको मैं जब स्टेयर्स पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा, फिलहाल के लिए बताता हूं मैं वॉल्स का। वॉल का यूज क्या है, यहां पर सिंपली इसको वॉल पे क्लिक करने के बाद अपनी जो वाली वॉल जिस पे हमको ओपनिंग देनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको सीधा बोलते हैं कि ये आपको ओपनिंग बनाने को बोल देता है। तो यहाँ पर जैसे हम ओपनिंग देंगे, ये ओपनिंग इसने बना के हमको दे दी जो कि आपको दिख रही होगी, लेकिन इसमें बस एक ही घाटा है, ये छोटे मोटे काम करने के लिए ईजी है ताकि जहाँ पर हमको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स देनी होती हैं। अगर हमको कोई ओपनिंग ऐसी देनी है जिसमें कर्व आ रहे हों या अलग अलग टाइप के शेप आ रहे हों, जैसे हमें अपनी आर्च वाली ओपनिंग देनी है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता रहता है, सिंपली कर देंगे इसको कंट्रोल जेड ताकि हमारी पुराना जो काम किया है वो हमारा हट जाए। आ जाएंगे दोबारा से इसके फ्रंट व्यू पे, क्योंकि हमने थोड़ा सा 3D के साथ छेड़खानी कर दी थी इसकी। तो सिंपली हम कर लेंगे अपने वॉल को सिलेक्ट। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे वॉल की एडिट प्रोफाइल में। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको बस एक ही वॉल दिखाएगा ये जो फोकस में रहेगी और कहता है इसके अंदर जो आपको काम करना है वो आप कर सकते हैं। काम करने से पहले मैं ये बता दूं आपको, एक यहाँ पर ऑड और इवन का फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। जैसे ये हमारा जो ये शेप बना है, रेक्टेंगल शेप बना है यहाँ पर, ये इसको हम मानेंगे एक बॉन्ड, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मानेंगे 1, ठीक हो गया। और इसके बाहर जो बनेगा, इसके अंदर जैसे हम कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसा, ये जो हमारा अंदर रेक्टेंगल बना है ये हमारा बना है 2। ये मैं पहले बता दूं कि जो भी आप ओपनिंग देना चाहते हैं उसको क्लोज बाउंड्री के फॉर्म में बनाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा बन गया एक बाहर रेक्टेंगल है, उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल बन गया, दूसरा बन रहा है ना उसके अंदर, दूसरा मतलब इवन, दो नंबर आ गया इवन। इवन जो बनेगा वो बनेगा हमारा हॉलो और जो 1 रहेगा वो बनेगा सॉलिड। जैसे इसके अंदर हमको कुछ और बनाना है, एक रेक्टेंगल और बना देते हैं जो कि हो गया ये तीसरा क्या हो गया ऑड मतलब सॉलिड। और चौथा इसके अंदर अगर हम कुछ और बनाएंगे, जैसे एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं हम इसके अंदर, ये हो गया हमारा चौथा नंबर का, 1, 2, 3 और ये चौथा क्या रहेगा हॉलो। तो देखते हैं ये वाला डिज़ाइन हमारा किस टाइप का बनता है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। जो पहला बॉक्स था हमारा ऑड का वो बन गया सॉलिड, दूसरे नंबर का हॉलो, तीसरे नंबर का सॉलिड और चौथे नंबर का हॉलो। ऑड और इवन आप समझ गए हैं,
बनाते हैं हम अपना आर्क जो हम बनाने वाले थे। तो कंट्रोल जेड दबाने के बाद हमको दोबारा बना लेते हैं जो हम बनाना चाहते थे। एडिट प्रोफाइल पे आएंगे इसको सिलेक्ट करते ही, और हमको देना है यहाँ पर हमको एक आर्च। आर्च देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, जो हमारी पीछे ये खिड़की दी हुई है हम उसी का रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर इतना सा देंगे हम भी, और यहाँ से वन लाइन ब्रिकवर्क नीचे से छोड़ दिया, जिससे दिख रहा है वो साफ साफ एक वन लाइन ब्रिकवर्क के लिए छोटा हुआ है जिस पे हम अपनी स्कर्टिंग लगाएंगे। और यहाँ पर ही हम सेम टू सेम एक आर्च भी दे देते हैं। आर्च देने के लिए हम सीधा यहाँ पर पिक लाइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा पिक हो जाएगी ऐसे। लेकिन हमको थोड़ा सा आपको सिखाना भी है, अगर आपके केस में पीछे विंडो नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो सीधा सिंपल करते हैं, कंट्रोल जेड इसको हटाते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम एक आर्च का टूल पकड़ लेते हैं। आर्च का टूल पकड़ने के बाद इसको पहला पॉइंट और एंड पॉइंट दे देते हैं, और उसके बाद ये बोलेगा आपको आर्च देने को, तो एक आर्च भी दे देते हैं यहाँ पर। आर्च देने के बाद हमारी ये बीच की लाइन का कोई काम नहीं है, इसका लाइन का तो पहले भी काम नहीं था, लेकिन डबल स्केप जैसे हम करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे डिलीट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक आर्च बन चुका है हमारा। इसके अंदर फर्स्ट बाउंड्री जो हमारी सॉलिड रहेगी और दूसरी जो हॉलो लगेगी, मतलब वहाँ पर एक आर्च बनेगा। सिंपली कर देंगे हम इसको ओके। ओके करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा हमारा एक आर्च बन चुका है। ये आर्च तो आपने बना लिया, ये तो नॉर्मल डिज़ाइन था। अगर हम इसमें एक ही वॉल के अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस बनाने हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा कि ये फ्रंट एलिवेशन जिनमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बनाए हैं, ये सब वॉल एडिट करने के बाद ही बनी हैं। वॉल की एडिट प्रोफाइल करेंगे, उनकी थिकनेस के साथ छेड़ेंगे, और वैसे हम बनाएंगे अपने ये पीछे वाले डिज़ाइंस। इनको बनाने के लिए एक्सट्रूजन कमांड का भी, एक्सट्रूजन टूल का भी यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस चीज़ है, वो आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम अपने बाउंड्री वॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओपनिंग बना के एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। तो सिंपल इसी के लिए हम अपनी पीछे वाली वॉल को ले लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम वॉल को। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद एडिट प्रोफाइल, अच्छे से इसके बैक प्रोफाइल में चले जाते हैं, बैक व्यू पे चले जाते हैं। जूम करने के बाद आ गए हम वापस यहीं पर। यहाँ पर करने हैं हमको अलग अलग टाइप के, जैसे हम एक बीच में एक सर्कल दे देते हैं यहाँ पर। ये हमारा एक बीच का सर्कल हो गया। सर्कल के ऊपर दे देते हैं हम यहाँ पर एक बॉक्स जो कि बड़ा रहेगा। उसके बाद एक दे देते हैं छोटा बॉक्स यहाँ पर, कुछ ऐसा टाइप का। यहाँ पर दे देते हैं हम एक, यहाँ पर देख रहे होंगे एक ही वॉल में हमने इतने सारे डिजाइन दे दिए हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ऐसा नहीं है, ऑड इवन का केस यहाँ पर आप समझ सकते हो और अच्छे से। जितने भी हमने इसमें डिज़ाइन बनाए हैं वो सारे डिज़ाइन नंबर दो पे ही काउंट होंगे, मतलब इन सबके बीच में पूरा हॉलो होगा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक ही है ना। मेन ऑब्जेक्ट एक है और उसके अंदर हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं। उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो वो सारे हॉलो हो जाएंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे वॉल्स में ओपनिंग बन चुकी हैं, और ये देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार में अच्छा बना सकते हो आप भी। मेरे को तो लग रहा है भाई मैंने तो अच्छा बनाया है। आप बताना कैसा बनाया है ये नीचे लाइक करके। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो रेविट और ऑटोकैड के रिलेटेड, या फिर फोटोशॉप के रिलेटेड, या फिर वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो पक्का लेके आऊँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय सिविल गुरु जी।